गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर भारत इज माय होम बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन जाकिर हुसैन ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट हिम भारत इज माय होम हैज़ बीन रिटन बाय जाकिर हुसैन ये महान शिक्षाविद थे अपने देश के राष्ट्रपति थे तो इनका ये लिखा हुआ चैप्टर है दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर क्लास भारत इज माई होम भारत मेरा घर है भारत इज माय होम बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन हैदराबाद हैदराबाद में उनका जन्म हुआ वॉज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स फ्रीडम फाइटर थे वो एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट वे शिक्षाविद भी थे एमिनेंट मतलब मशहूर फेमस फेमस का ये वर्ड है एमिनेंट ई एम आई एन ई एन टी तो इसको हम लोग बोलेंगे ये एमिनेंट ठीक है तो एमिनेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाई फेमस एफ ए एम ओ यू एस ये इंटर क्लास में आपको वर्ड स्ट्रोक पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए बिकॉज यू विल गेट मैनी क्वेश्चन ऑन वर्ड्स दैट्स वाई वी विल हाईलाइट वेयर वेर इट ई नीडेड सो आफ्टर दैट डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन नाइनटीन सिक्सटी सेवन डॉक्टर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने कब इन 1967. सिक्सटी सेवन अर्लियर ही हैड सर्वड एज द गवर्नर ऑफ बिहार भारत इज माय होम इसके पहले वे बिहार के राज्यपाल गवर्नर भी थे भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट यह जो चैप्टर है भारत इज माय होम यह लिया गया है फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967. आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट शपथ जब उन्होंने ली उन्नीस सौ सड़सठ में नाइनटीन सिक्सटी सेवन एज द प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री देन ही डिलीवर्ड अ स्पीच एंड इन दैट स्पीच दिस चैप्टर वॉज दिस चैप्टर हैज़ बिन टेकन फ्रॉम दैट स्पीच भारत इज माई होम इन हीज फर्स्ट स्पीच उन्होंने पहले स्पीच में एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज प्लेजेज इज प्लेज मतलब शपथ लेना कसम खाना वादा करना ये सब मीनिंग होता है इसका प्लेजेज प्लेज किया शपथ लिया टू सर्विस ऑफ द टोटैलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर उन्होंने वादा किया प्रोमिस किया पूरे देशवासियों को एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री वे संस्कृति भारत की जो भी संस्कृति है उसको आबाद रखेंगे उसको जिंदा रखेंगे तो भारत की संस्कृति क्या है वो आप जानते हो कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई भारत की संस्कृति को समझने के लिए यही स्लोगन काफ़ी है सभी धर्मों का सभी जातियों का सभी संप्रदायों का यहाँ समागम है सबको बराबर अवसर मिलते हैं ये अपने तरह का पूरी दुनिया में एक अलग तरह का राष्ट्र है जहाँ सभी धर्म के सभी जाति के लोगों को समता के आधार पर जीने का अवसर संविधान के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है तो यही भारत की विरासत है इंडियाज कल्चर संस्कृति भारत की यही है कि सबके हित की बात करें सबकी जो परंपराएं हैं उसका आदर करें ठीक है किसी एक की परंपरा को सबके ऊपर थोपना भारत की संस्कृति नहीं है ठीक है सो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर ये अब तक हम लोग श्रीमान डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के विषय में देखे, विच इज रिटेन ऑन द फ्रंट ऑफ द पेज ऑफ द चैप्टर सो टाइटल भारत इज माई होम बाई जाकिर हुसैन वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग इस चैप्टर में आप क्या क्या पाओगे ये लिखा है चैरिटी बिगेन्स एट होम चैरिटी मतलब दान उदारता हेल्प कोई भी महान काम है वो घर से शुरू होता है मतलब इसका यह है यू कैनोट प्रोमिस दैट यू विल डू ओनली अदर वेन अदर पीपुल विल डू नो आपको महानता अगर साबित करना है तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस आप इसको घर से शुरू करें स्टेटमेंट है चैरिटी बिगिनस एट होम कुछ महान काम करना है चैरिटी करना है आपको तो पहले घर से शुरू कीजिए आप खुद कीजिए इफ यू विल डू ग्रेट वर्क देन अदर पीपल विल स्योरली फॉलो दैट इफ़ योर ओपिनियन विल बी गुड योर डेडिकेशन विल बी सर्टिफाइड दैन नो डाउट पीपल विल फॉलो यू आज अगर अपने यहाँ देखिए किसी राजनेता की बात को लोग आँख मूंख के विश्वास नहीं करते हैं बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड दैट पोलिटिकल पीपल आर लायर्स राजनीति करने वाले लोग झूठ बोलने वाले लोग होते हैं लेकिन टीचर की बात को बच्चे मानते हैं फॉलो करते हैं इफ़ ए टीचर स्पीक्स एनी थिंग देन श्योरली स्टूडेंट्स विल फॉलो दैट दे फॉलो हम लोग भी अपने टीचर को देखते हैं तो श्रद्धा से उनका पैर छूते हैं क्यों बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट टीचर्स स्पीक व्हाट एवर दे डू ये जिस टीचर में भी कथनी करनी में फ़र्क होता है तो वो उसकी बात को बच्चे नहीं मानते बट दैट टीचर इज श्योरली रिस्पेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स हु शोज सिमिलरिटी इन एक्शन एंड स्पीच, जिसके स्पीच में और काम में एक्शन में मनसा वाचा कर्मणा जो वाणी बोलते हैं आप जो काम करते हैं सब में अगर समता का भाव है सब में एकता है जो बोलते हो सो करते हो तो पीपल आपको फॉलो करते हैं यही है तो चैरिटी बिगिंस एट होम पहले खुद ही करके बताइए तब लोग उसको करेंगे कोई भी महानता का कार्य घर से शुरू होता है अपना लाइफ पहले आप प्रस्तुत करें मॉडल के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अपना लाइफ शो करेंगे तो श्योरली पीपुल विल फॉलो दैट द इंटायर वर्ल्ड एज इज अ फैमिली तो चैप्टर में क्या क्या मिलने वाला है हम लोगों को कि चैरिटी बिगिंस एट होम इस पर ये बेस है द इंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली पूरी दुनिया क्या है सब मानव मात्र एक फैमिली है इंडिविजुअल्स एंड फैमिली आर इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल व्यक्ति जो होता है वो फैमिली से सेपरेट नहीं है अलग नहीं है इंडिविजुअल कहाँ है तो फैमिली में है और फैमिली क्या है तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है सो इंडिविजुअल्स एंड फैमिली आर इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पर निर्भर करते हैं इंडिविजुअल और फैमिली तो ये कितनी बड़ी बात है ये मॉडल अगर व्यक्ति समझ जाता है तो ये पढ़ने का आपको मतलब है वेन वी आर रीडिंग इन इंटरमीडिएट देन वी शुड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स चैरिटी बिगिनस एट होम द इंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली इंडिविजुअल्स आर फैमिली इंडिविजुअल्स एंड फैमिली आर इंटर डिपेंडेंट सो दीज पॉइंट्स वी विल फाइंड आउट इन दिस चैप्टर वी मे से दैट एक्चुअली दीज पॉइंट्स आर द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो ये तीनों पॉइंट्स आपको इसमें मिलेंगे यही इसका आधार है एक्चुअली अगर कहा जाए कि व्हाट इज़ द मॉडल ऑफ द चैप्टर इस चैप्टर में ये सब मॉडल मिलने वाला है आपको ज्ञान की बात ये सब है क्या सीखना चाहिए व्यक्ति को एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ये चैप्टर पढ़ रहा है वॉट टाइप ऑफ मॉडल ही विल गेट क्या सीख उसको मिलेगी तो उसको सीख ये मिलेगी कि एक्ट बिफोर यू प्रीच काम करके दिखाओ बोलो तो काम भी करो द इंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली पूरी दुनिया को अपना फैमिली मानिए इंडिविजुअल्स एंड फैमिली आर इंटरडिपेंडेंट व्यक्ति और परिवार एक दूसरे पर आधारित होते हैं डिपेंड करते हैं सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर लाइन बाई लाइन सो माई डियर लर्नर्स जो पाठक इसको सुन रहे हैं तो उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गो थ्रू माय प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में आप जाइए और प्लेलिस्ट में आपको यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश फॉर योर एग्जामिनेशन एंड बिफोर योर एग्ज़ामिनेशन आई विल गेट यू फ्रेश आई विल गिव यू फ्रेश क्वेश्चन आंसर दैट विल ऑल्सो हेल्प यू वेरी मच तो अगर आप ये मेरा वीडियो हमेशा देखते रहेंगे मेरे चैनल से पर अगर आप वीडियो खोजेंगे तो इंग्लिश के लिए आपके क्लास से संबंधित सारा कुछ मिलने वाला है प्लेलिस्ट में जाएं वहाँ मिलेगा इफ़ यू फाइंड समथिंग मोर देन प्लीज पुट इट इन योर कमेंट बॉक्स एंड इन दिस कमेंट बॉक्स आई विल गेट योर व्यू एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई विल प्रिपेयर न्यू वीडियोज फॉर यू विच विल बी सफिशियंट फॉर योर डिमांड तो मेरे दोस्तों आपसे निवेदन है कि मेरे कोशिश को आप कामयाब बनाएं, आप वीडियो देखिए सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें सब आप करें क्योंकि हमारा आपका संबंध इसी बात पर आधारित है कि इफ़ यू विल सब्सक्राइब माय चैनल देन यू विल गेट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम सो माई रिक्वेस्ट इज टू शेयर इट लाइक इट सब्सक्राइब इट आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू रीड इट लाइन बाई लाइन सो भारत इज माई होम आई मस्ट कन्फेस दैट कन्फिस मतलब स्वीकार करना ठीक है आई मस्ट कन्फेस मैं यह स्वीकार करता हूँ दैट आई एम ओवर वेल्म्ड ओवर वेल्म मीन्स बहुत खुशी ओवर वेल्ड में बहुत खुश हूँ बाय द ट्रस्ट माई पीपुल हैव प्लेस्ड इन मी बाई इलेक्टिंग मी टू दाजस्ट ऑफिस इन द लैंड प्रेसिडेंट बना दिया लोगों ने मुझे तो शपथ लेने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है श्रीमान जाकिर हुसैन जी बोल रहे हैं वो बोले कि लोगों ने मुझे सर्वोच्च पद के लिए सिलेक्शन किया है इसके लिए मुझे बहुत खुशी है हाइजस्ट ऑफिस है ये नंबर टू लाइन है डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉड टू द प्रेसिडेंसी मैंटल इक्विपमेंट उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन का नाम लिया जो पहले राष्ट्रपति यहाँ थे तो डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉड टू दी प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट वो बोले कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी जी जब राष्ट्रपति बने थे तो वो बहुत बड़ा एक मानसिक हथियार लेकर के आए थे मेंटल इक्विपमेंट मेंटल इक्विपमेंट क्या था कि ये डिग्री ऑफ एरुडिएशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रियरली टू बी फाउंड एनी उनके पास में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था ये बहुत कम जगह ऐसा मिलता है कि इतने बड़े विद्वान देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लें तो डॉक्टर राधा कृष्णन जी थे उनके विषय में ये बोल रहे हैं जाकिर हुसैन जी ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परसुट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ ओ राधा कृष्णन जी पूरे लाइफ टाइम परसुट मतलब खोज सर्च तो ही डिवोटेड हिज लाइफ इन टू टू दिस परसुट ऑफ मतलब खोज में किस चीज़ का खोज तो ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट द एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसॉफिकल थाट एंड वननेस ऑफ ऑल द ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज़ भारत की जो दार्शनिकता है इसमें जो मूल्य हैं फिलोसोफिकल जो मूल्य हैं आध्यात्मिक मूल्य ज्ञान और सत्य की खोज इसको उन्होंने अपने लाइफ का ध्येय बनाया था किसने डॉक्टर राधाकृष्णन ने ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन एंड ही हिमसेल्फ हैज नेवर सीज टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस उन्होंने हमेशा अपना विश्वास कभी कम नहीं होने दिया मानवता में मानवता के विकास में और उन्होंने हर मनुष्य के मान सम्मान के लिए इंसाफ हो इसके लिए संघर्ष किया आई कैन ओनली एश्योर यू एश्योर कर सकता हूँ आपको दैट आई इंटायर्ड आई इंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ़ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी मैं बहुत ही विनम्रता के साथ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी बहुत विनम्रता के साथ एंड टोटल डेडिकेशन और संपूर्ण समर्पण के साथ आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंने भारत के संविधान के प्रति विश्वास के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है ओथ लिया है मैंने इट इज दी कंस्टिट्यूशन ऑफ ए कंपेरेटिवली न्यू स्टेट दैट इट्स फ्री सिटीजन्स हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवेन टू देमसेल्फ ये एक नए प्रकार के राष्ट्र का एक पुनर् उद्भव है ये यहाँ के सभी नागरिक स्वतंत्र हैं और फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवेन टू देमसेल्फ इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एनेंशियन पीपल हु थ्रो द लॉन्ग मिलानिया एंड थ्रो कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स जिन्होंने एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ लंबे समय से चली आ रही सभ्यता और संस्कृति का के बिंदुओं को एक करके सरकार चलाने का संविधान बनाया गया है टू रियलाइज टाइमलेस इन्होंने स्वीकार किया है प्रयास किया है स्वीकार करने के लिए कि समय से टाइमलेस समय से आगे बढ़कर एब्सोल्यूट वैल्यूज इन दियर ओन पिक्यूलियर वे कि समय के अनुसार जो टेस्टेड पिक्यूलियर वे है वैल्यू सब है जो समय के अनुसार टेस्टेड है ऐसे मूल्य जीवन के जो समय के अनुसार जांचे परखे गए हैं उनके प्रति समर्पण होना चाहिए देश का आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज़ उन शाश्वत मूल्यों के प्रति मैं सेवा भाव के लिए समर्पण अपना व्यक्त करता हूँ फॉर दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू उन फॉर दो फॉर दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन यद्यपि मूर्त रूप में उन मूल्यों को स्वीकार करने उनको रियलाइज करने में मे बिकम इन एडोकुएट विद द चेंज ऑफ सर्कुमस्टांसेज परिस्थितियाँ बदलने के साथ उनको लागू करने का तरीका बदल सकता है द वैल्यू रिमेंस इंटरनली लेकिन मूल्य वो कायम रहते हैं वैलिड एंड प्रोसेस प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेसर रियलाइजेशन मूल्य वही रहेंगे शाश्वत मूल्य उनको लागू करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक पास्ट कोई मरा हुआ नहीं होता है व कोई स्थिर भी नहीं होता है इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक जो पुरातन मूल्य होते हैं वो डायनेमिक होते हैं जीवंत तो होते हैं गतिशील होते हैं एंड इज़ इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग और वो डिटरमाइन करने में शामिल होते हैं द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर कल्चर और हमारे कल्चर का भविष्य क्या होगा उसकी दिशा दशा गुणवत्ता उसकी निर्धारित करने में भूमिका का निर्वाहन करते हैं लाइन नंबर फोर द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इन डीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर उन मूल्यों का रिन्यूअल होना ये इस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर राष्ट्रीय कल्चर नेशनल कल्चर और नेशनल कैरेक्टर जो होता है राष्ट्रीय चरित्र उसको कायम करने के लिए उन मूल्यों कार्य उन मूल्यों का क्या होता है पुनर्नवीकरण होता है रिन्यूबल होता है इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रीन्यूअल ये शिक्षा का काम है कि उन मूल्यों को कंटिन्यू करे कॉन्स्टेंट बनाए रखे एंड आई मे बी फॉर गिवेन द प्रिजुम्पन दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज़ मेनली इफ नॉट इंटायरली बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल और मुझे लगता है कि मेरा अनुमान यह है कि शायद मैं शिक्षा के क्षेत्र में मेरा अनुभव है इसी के चलते मुझे ये पद प्राप्त हुआ है आई मेंटेन द एजुकेशन और इज अ प्राइम आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इन एस्केपेबली इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन और शिक्षा की गुणवत्ता निश्चित रूप से देश का मुख्य भाग है क्वालिटी ऑफ द नेशन देश की गुणवत्ता जैसी होगी उसके पीछे शिक्षा की गुणवत्ता का हाथ होता है देश शिक्षा देंगे वैसा देश का भविष्य होगा आई देअर फोर प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम वेयर शो एवर इट मे कम मे हैव कम एंड बाय होम शो एवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड मैं उन सब लोगों के प्रति सभी सभ्यताओं के प्रति सभी संस्कृतियों के प्रति समर्पण व्यक्त करता हूँ आई प्लेज माई सेल्फ द सर्विस ऑफ द टोटैलिटी टू माई कंट्रीज़ कल्चर मैं अपने देश की समुच्च सम्पूर्ण संस्कृति में अपने आप को समर्पित करता हूँ आई प्लेज माई लोयलिटी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज भाषा और धर्म से हट करके मैं कार्य करने का वचन देता हूँ आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस मैं इसकी ताकत और इसके विकास के लिए कार्य करूंगा फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन्स ऑफ कास्ट कलर और क्रीड बिना किसी डिस्टिंक्शन बिना किसी भेदभाव के डिस्टिंक्शन्स ऑफ कास्ट क्रीड एंड कलर आई विल नॉट फॉलो आई विल बी एवेलेबल फॉर ऑल कास्ट कलर एंड क्रीड्स द होल ऑफ़ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली संपूर्ण भारतवर्ष मेरा होम है और इसके लोग मेरे फैमिली हैं द पीपल हैव चोजन टू मी टू मेक मी द हेड ऑफ़ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम कुछ समय के लिए लोगों ने मुझे इसका हेड बनाया है इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडिभर टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल इस परिवार को अच्छा बनाना मजबूत बनाना मेरा फर्ज है मैं प्रयास करूँगा ए वर्दी होम फॉर ए ग्रेट पीपल इन्गेज इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप ए जस्ट एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ ठीक है सो आई विल डिवोट माई सेल्फ टू मेक इट टू बिल्ड अप इट एज ए प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ विकासशील और मान सम्मानपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए मैं कार्य करूँगा द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर कॉन्वीनियंटली फास्ट पेस ये देश बड़ा है परिवार बड़ा है और संग स्पीड के साथ बढ़ रहा है विशैल ईच वन ऑफ आस्ट हैव टू पार्टिसिपेट अन एस्पेयरिंगली बिना छोड़े हुए बिना भेदभाव के इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ भारत के नए जीवन को बनाने में बिना किसी को छोड़े हुए मैं कार्य करूँगा सबको साथ ले करके मैं चलूंगा ये मीनिंग है ईच इन ही ओन वे फॉर शेयर साइज द टास्क हेड ऑफ अस आर सो डिमांडिंग दैट नो वन कैन एफोर्ड टू सीट बैक एंड जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री हमें सबों का साथ इसलिए लेना है कि किसी का प्रयास भी पीछे नहीं छूटे उसके मन में फ्रस्ट्रेशन पैदा नहीं हो फ्रस्ट्रेशन मतलब निराशा किसी को ये नहीं लगे कि वह पीछे छूट गया नहीं तो ये निराशा की भावना क्या होती तो है कि देश में अगर फैल जाए तो महामारी से कम घातक नहीं होती है तो हमें सबको पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना है दैट इज माई एम एंड आई विल डू दैट मिस्टर डॉक्टर जाकिर हुसैन इज सेंग दिस द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क वर्क एंड मोर वर्क हमें सिर्फ कार्य करना है कार्य करना है और अधिक कार्य करना है साइलेंट एंड सिंसियर वर्क हमें चुपचाप लगातार काम करना है ध्यानपूर्वक सिंसियरली सॉलिड एंड स्टीडी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल हम लोग लगातार काम करेंगे सॉलिड रूप में स्टीडली मतलब लगातार कंटिन्यूसली ये कल्चरल लाइफ जो भारत का है उसको मेंटेन करेंगे दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ टू आस्पेक्ट तो लगातार काम करना भारत के लिए इसके दो पक्ष हुए वर्क ऑन वन सेल्फ अपने लिए काम करें एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड और अपने आसपास के समाज के लिए काम करें अपने लिए करें समाज के लिए करें दो इसके पहलू हुए खूब काम करते हैं उसके दो पार्ट हुए देर आर टू आर्ट आस्पेक्ट्स ऑफ दैट पहला है कि एक आदमी खुद के लिए करे और एक समाज के लिए करे, दे आर मैचुअली फ्रूटफुल आस्पेक्ट्स ऑफ वर्क एक दूसरे के से ये सटे हुए हैं जुड़े हुए हैं मतलब क्या है कि ये म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क व्यक्ति अपने लिए काम करेगा तो वह समाज के लिए करेगा समाज के लिए करेगा तो खुद के द्वारा ही करेगा हम समाज के लिए करते हैं मतलब खुद के लिए करेंगे तभी समाज के लिए होगा मतलब अटैच है एक दूसरे से दिस वर्क इज अटैच Two aspects of the work has, uh, are attached. Work on oneself and work for the society around. They are mutually fruitful aspects of work. The work on oneself is to follow the urge towards moral development as a free person and under self imposed discipline, which alone can render the development possible. Its end product. इट्स एंड प्रोडक्ट इज ए फ्री मॉडल पर्सनालिटी तो अंत में क्या हम लोग पाएंगे स्वतंत्र रूप में एक नैतिक व्यक्तित्व के रूप में यहाँ के दोस्त लोगों का विकास होगा वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल ये वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल सिर्फ उत्पादन करें व्यक्ति का ये ठीक नहीं है उत्पादन के साथ नैतिकता अटैच होनी चाहिए अच्छा करें दिस एंड प्रोडक्ट कैनॉट सस्टेन इट सेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इट्सल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि समाज के सारे लोगों को अटैच करके नहीं चलेंगे टू विच इट इज प्रिविलेज टू सर्व टू ए बेटर एडस्टर एंड ए मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ और वह समर्पित होना चाहिए किसके प्रति टू सर्व टू ए बेटर ए जस्टर एंड ए मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ एक सम्मानित जिंदगी के प्रति समर्पण होना चाहिए जस्टर एंड ए मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ द इंडिविजुअल कैनॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट अ कॉरिस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस लेटस जब तक पूरा समाज मिलकर के एक साथ नहीं काम करेगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है इंडिविजुअल अकेले विकास नहीं कर सकता है लेटस्ट रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली होल हार्टेडली मतलब संपूर्ण हृदय से इंगेज इन दीज टू आस्पेक्ट्स ऑफ वर्क इंडिविजुअल एंड सोशल हम लोग दोनों तरह का काम करेंगे व्यक्ति के तौर पर और समाज के तौर पर भी इंडिविजुअल एंड सोशल बिकॉज बोथ आर अटैच टू ईच अदर दिस ड्यूअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट स्पेशल फ्लेवर ये दोनों तरफ से काम करेंगे व्यक्ति समाज के लिए और समाज व्यक्ति के लिए तो इससे हमारा राज्य स्पेशल बन जाएगा स्पेशल उसका फ्लेवर निकलेगा फॉर द स्टेट टू आस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट ए मॉडल ऑर्गेनाइजेशन राज्य सरकार सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर ही नहीं है बल्कि वह एक मॉडल ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए नैतिक रूप में भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ही दिस इज द जिस्ट ऑफ महात्मा गांधी एन फिलॉसफी दैट पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मॉडल परपोसेस सत्ता शक्ति का उपयोग सिर्फ नैतिक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर ये शांति का मतलब है कि हमें काम करने का अवसर मिले आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ The energy requisite for the satisfactory performance of this dual task. It shall be my privilege to contribute my share to this enchanting enterprise. Okay. So, tomorrow I will produce a new video for you. In that video, there will be question answer of this chapter. Is chapter ka? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ मैं कल फिर एक वीडियो आपके सामने अपलोड करूंगा ठीक है निश्चित रूप से आप कल उसको देखें टुमोरो यू विल सी दैट एंड टुडे दिस इज द वीडियो फॉर द मीनिंग ऑफ लाइन बाय लाइन टीचिंग ऑफ दिस चैप्टर एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर सो आई होप दैट यू विल सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक थैंक यू फॉर Viving, have a nice day.